अगर आप भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल हेल्थ सोल्यूशन में एक बेहद ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। बालों का गिरना और झड़ना सभी के लिए एक आम समस्या हो गई है। इसके कारण लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार तो बाल इतने हल्के हो जाते हैं कि कोई हेयर स्टाइल बनाने का मन ही नहीं होता है। कितने ही हेयर केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर ले, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता है। ऐसे में आप थक करके जैसे बाल रहते हैं उन्हीं के साथ समझौता कर लेते हैं। बाल गिरने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस और सही आहार ना लेना। लेकिन आपको समझौता करने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है थोड़ी सी ज्यादा केयर करने की। थोड़ा अधिक समय अगर आप अपने बालों को देंगी तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। बाल घने करने के लिए अगर आपने अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लिया है तो कुछ घरेलू नुस्खे अपना करके देखें। यह आपके बालों के लिए परमानेंट सोल्यूशन होगा तथा आपके बालों को घना और लंबा करने में मदद करेगा। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय जिनके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबा घना कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला उपाय यह है कि दही। शरीर के लिए दही जितना अच्छा माना जाता है उतने ही आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे आपके पतले रूखे बाल को नई जान मिलेगी, साथ ही आपके बालों की लंबाई बढ़ाने में भी मदद करेगा। दही को आपको पेस्ट की तरह अपने बालों में इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप सादी दही ले लें, उसमें एक चम्मच शहद मिला करके अच्छी तरह से मैश करें। अब इसका पेस्ट बना करके अपने बालों में लगाएं तथा 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर गुनगुने पानी से अपने बाल को शैम्पू कर लें। इसका असर आपको कुछ ही दिनों में दिखने लगेगा। दूसरा उपाय यह है कि आंवला हेयर मास्क। आंवला में मिनरल, विटामिन और एमिनो एसिड होते हैं जो स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए 2 कप गर्म पानी में आंवला पाउडर मिलाएं। 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। फिर उंगलियों की सहायता से आप अपने स्कैल्प पे इसे लगाएं। इस मास्क को आधे घंटे तक ऐसा ही लगा रहने दें। फिर सादे पानी और माइल्ड शैम्पू से बाल को धो लें। इस मास्क का प्रयोग आप सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। इससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय यह है कि जैतून का तेल। बालों के लिए जैतून का तेल बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यह बालों को घना बनाने के साथ साथ उन्हें मुलायम और मजबूत भी बनाता है, जिससे बालों में नई जान आती है। अपने बालों और जड़ों की गुनगुने तेल से मालिश करें और फिर इसे 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दें। आप चाहे तो रात को तेल की मालिश कर सकते हैं और फिर सुबह शैम्पू कर लें, लेकिन पहले अपने बालों को पानी से धो लें और फिर शैम्पू से धो लें। इस तेल में आप शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा उपाय यह है कि मेथी का बीज। बुजुर्ग हमेशा मेथी के दाने का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। यह प्रोटीन से भरपूर होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है और आपके बालों को डैंड्रफ जैसी समस्याओं से दूर करता है। इसे अपने बालों में इस्तेमाल करने के लिए 2 चम्मच मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह इसे पीस लें और इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला करके अपने बालों में लगाएं। 30 मिनट बाद शैम्पू कर लें। ऐसा आप हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। पांचवा उपाय यह है कि एलोवेरा जेल। बालों को घना बनाने के लिए एलोवेरा जेल काफी उपयोगी माना जाता है। यह आपके बालों को मॉइस्चराइजर करेगा और कंडीशनिंग करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, एलोवेरा बालों को झड़ने की समस्या को भी नियंत्रित करता है। इसे आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।